पन्ना जिले की पहचान पन्ना टाइगर रिजर्व हीरे की खदानों और केन घड़ियाल अभयारण्य से होती है। पर अब आंवला पन्ना जिले को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यमी योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद को महत्व देते हुए पन्ना जिले को आंवला के लिए चुना गया है। इस वर्ष यहां 785 हेक्टेयर में 6709 मीट्रिक टन आंवले का उत्पादन हुआ, पर सही भंडारण एवं परिवहन न होने के कारण उत्पादन का लगभग 10-15% खराब होने की संभावना रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यमी योजना के अंतर्गत जिले में आंवला आधारित प्रसंस्करण उद्योग शुरू करवाने की पहल की है। जब से अपने पन्ना जिला एक उत्पाद में आंवले का आया है, तब से हमें आंवले का बहुत बेहतर रेट मिलने लगा है। एक जिला एक उत्पाद बनाया है, जब से हमें बहुत लाभकारी है, हमारे ग्रुप वालों को भी। हमको आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है और इसके लिए हमने एक अभिनव योजना बनाई है, एक जिला एक उत्पाद। और मुझे प्रसन्नता है, हम अपनी आय बढ़ाएंगे और लोगों की सेहत सुधारेंगे। असंगठित क्षेत्र में जो हमारे उद्योग हैं, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उन्नयन कर सकते हैं। जो नया खाद्य प्रसंस्करण लगाना चाहते हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, 8वीं से अधिक शिक्षा प्राप्त है, इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह और जो लोग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आंवला प्रसंस्करण उद्योग के लग जाने से कई तरह के उत्पाद जैसे आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की कैंडी और पेय पदार्थ बनाए जाएंगे, जिससे किसानों और व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा और पन्ना जिला खुशहाल बनेगा। शिवराज सरकार का है ये अभियान, सबको मिले काम, हर चेहरे पर हो मुस्कान।